हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड में डिप्लोमा ट्रेनी की जो वैकेंसी आई थी उसके सिलेक्शन ईमेल डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में। इसके अलावा भी कई डाउट्स हैं आप लोगों के, जो आप लोगों ने कमेंट में, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने पूछा है, उसी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। लाइक इंटरव्यू मेल नहीं आया या फिर सिलेक्शन मेल नहीं आया, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इसका क्या है, एचआर वीडियो असेसमेंट जो है आपका कई लोगों का सस्पेंड हो गया है, कई लोग का नहीं हुआ है, और कई लोग का हुआ है तो इवैल्यूएशन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, पेंडिंग में दिखा रहा है, तो इसी टाइप के सारे डाउट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशन जो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड में सेलेक्ट हुए हैं। कल के डेट में काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास मैसेज किया कि उनके पास सेलेक्ट होने का मेल आ गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनको सिलेक्शन का मेल आया है और इसके बाद उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मेल आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ उनके पास मेल आया था, कंडीशनल ऑफर विद टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड। ये आपको बता दें ये मेल ऑन कैंपस ड्राइव वालों को भी आया है और ऑफ कैंपस ड्राइव वालों को भी आया है, यानी कि जो ऑफ कैंपस के थ्रू अप्लाई किए थे उनके पास भी आ गया है और जो कैंपस के थ्रू थे वो भी उनके पास भी आ गया है। तो जिनका एचआर वीडियो असेसमेंट कंप्लीट हुआ था उनके पास अब ये मेल आना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपका एचआर वीडियो असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, उसमें इवैल्यूएशन भी कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग अपना मेल रेगुलरली चेक करते रहिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कांग्रेचुलेशन मेल आया है, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर वन ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट थ्रू आवर कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर 2023 बैच। इसके बाद देखिए इसमें मेंशन किया गया है कि यू आर एलिजिबल टू वर्क विद टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज, यानी कि टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड में आपका वर्क होगा, इसके बाद इसके जो सब्सिडरीज कंपनी है उसमें भी आपका वर्क देखने को मिल जाएगा। एज सून रिसीव एन अपॉइंटमेंट ऑर्डर, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट ऑफर जल्द ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले क्या क्या प्रोसेस आपको कंप्लीट करने होंगे वो यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ऑफर लेटर आने से पहले इसमें आपको अपना ओरिजिनल जो मार्कशीट है और एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपको अपलोड करना होगा, इसके लिए अलग से मेल आएगा। इसके बाद कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा कोर्स इट्स फर्स्ट डिवीजन मार्क 60% एंड जीरो बैकलॉग, यानी कि देखिए अगर आप इसमें सिलेक्ट हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा, वहां पर चेक किया जाएगा, सारा कुछ प्रोसेस सही होगा तभी आपको ऑफर लेटर आएगा, नहीं तो वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका डिप्लोमा जो होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन मार्क यानी 60% मार्क्स होना चाहिए लगभग सभी सेमेस्टर में और जीरो बैकलॉग और कोई भी बैकलॉग उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सक्सेसफुल कंप्लीटिंग प्री एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए भी आपके पास अलग से मेल आएगा। प्री मेडिकल चेकअप के लिए एक मेल आता है, उसमें आपको जो प्रोसेस होता है उनका मेडिकल फिटनेस करने का वो आपको पास करना होता है, इसके बाद इस प्रोसेस को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मेनली इसमें थ्री स्टेप हैं, थ्री स्टेप के बाद आप इस कंपनी में वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट जो है उसमें कोई भी 60% मार्क्स होने चाहिए ऑल सेमेस्टर में और कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और प्री मेडिकल एम्प्लॉयमेंट जो आपका चेकअप होता है उसमें वो आपको पास करना होगा। ठीक है, कुछ नहीं दिया है, बिलो इज द स्नैपशॉट यानी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है उनका ऑनबोर्डिंग जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है, यानी कि सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको रेगुलरली आपको अपना मेल चेक करते रहना है, क्योंकि अगर आप एक भी प्रोसेस के लिए अगर छूट जाते हैं तो आपके पास तो आपको वही दिक्कत आएगा, आपको फिर से मेल करना पड़ेगा कंपनी को, फिर आपका रिशेड्यूल किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ज्वाइनिंग लोकेशन क्या होगा और प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के माध्यम से नोटिफाई किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो अपना मेल चेक करते रहिए और स्पैम फोल्डर में ज़रूर जाकर चेक कीजिए, कई बार ईमेल उसमें भी चला जाता है। बात देखिए आज के डेट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनके पास मेल आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और प्री एम्प्लॉयमेंट जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके लिए। इसमें देखिए यहाँ पर यही पूरा डिटेल में लिखा गया होता है कि आप सिलेक्टेड हैं कौन से बैच के लिए, यंग इंजीनियर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2024 बैच। ठीक है, और इसके बाद आपके पास इसके लिए अलग से मेल आएगा, लेकिन अभी के लिए जो मेल आया है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए और प्री मेडिकल एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो हमने आपको बता दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करना है। इसके बाद देखिए मेडिकल के लिए अभी मेल नहीं आया है, मेडिकल के लिए इसमें दिया गया है कि एक अलग से मेल आपके पास आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया गया है और एक लिंक दिया गया है इसमें, उस लिंक पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसको वेरीफाई होने के बाद आपके पास मेडिकल के लिए भी मेल आ जाएगा। तो ये अभी तक का अपडेट था। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट का जिनके पास मेल नहीं आया है, इंटरव्यू स्लॉट जो है वो कन्फर्म नहीं हुआ या फिर एचआर वीडियो असेसमेंट नहीं हुआ, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स का जिनके पास जिनका इंटरव्यू कैंसिल हो गया था, दोबारा से मेल आया था इंटरव्यू के
लिए, लेकिन इंटरव्यू स्लॉट कंफर्म नहीं किया गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से उनके पास मेल भी आया होगा, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर डीईटी इंटरव्यू राइन, इस प्रकार से मेल आया था और उसमें कहा गया था कि आपको एक अलग से मेल आएगा जिसमें आपका स्लॉट दिया होगा और उस स्लॉट पर, उस स्लॉट के टाइम पर आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। उनके पास अभी तक कोई मेल नहीं आया है, तो उन कैंडिडेट्स को करना क्या है, उनको सीधे अपने एचआर को मेल करना, जिस भी मेल से आपको पास मेल आता है वहां पर एचआर को मेल करेंगे। देखिए एक स्टूडेंट ने मेल किया है, उनके पास क्या रिप्लाई आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एचआर को मेल किया गया था कि उनका जो है इंटरव्यू नहीं हुआ, मतलब स्लॉट कंफर्म नहीं किया गया, तो एचआर की तरफ से रिप्लाई भी आता है कि आपका जो है इंटरव्यू डिटेल जो है आपके मेल पर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको अपना मेल और स्पैम फोल्डर चेक करना है, केवल यही रिप्लाई आता है उनकी तरफ से। तो देखिए अभी इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, ऑन कैंपस ड्राइव हो या फिर ऑफ कैंपस ड्राइव। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आज के डेट में एचआर वीडियो असेसमेंट का मेल आया था, उनका कंप्लीट हुआ है, तो अभी ऐसा नहीं मानना है कि आपके पास मेल नहीं आएगा इंटरव्यू का, ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है तो आपके पास मेल आ सकता है। लेकिन अगर आपको उनके पास मेल करके पूछना है तो आप पूछ सकते हैं या फिर इसके लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट का जिनका एचआर वीडियो असेसमेंट जो है किसी रीजन से सस्पेंड हो गया, उनको क्या करना है। देखिए अगर आपका एचआर वीडियो असेसमेंट जो है वो सस्पेंड हो गया, तो आपको जो एचआर हैं उनके पास मेल करना है कि टेक्निकल इशू की वजह से आपका एचआर वीडियो असेसमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसको मतलब कि उसको रीशेड्यूल कर दीजिए। तो देखिए इन्होंने उनके पास मेल किया है, तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया है कि उनका मतलब कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, तो उस टाइम में जाकर आप अपना वीडियो असेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन यही है कि आप उनके पास मेल कीजिए और किसी किसी का जो एप्लीकेशन ट्रैकर है उसमें एचआर वीडियो असेसमेंट उनका इवैल्यूएशन जो है वो पेंडिंग में दिखा रहा है, तो अगर आपका पेंडिंग में दिखा रहा है तो आपके पास अभी सिलेक्शन का मेल नहीं आएगा, क्योंकि आपका वीडियो असेसमेंट में कुछ दिक्कत होगा या फिर उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया होगा। आपको दिखा देते हैं एप्लीकेशन ट्रैकर जिन कैंडिडेट्स के पास सेलेक्ट होने का मेल आया है, पर आप देख सकते हैं इनका सारा प्रोसेस कंप्लीट है, ठीक है। ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड, ये भी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर किसी इशू की वजह से या ऐसा ही दिखता होगा, रेड कलर का दिख रहा है, बाकी सब में ग्रीन है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट देखिए कंप्लीटेड है, इसके बाद इंटरव्यू भी इनका कंप्लीटेड है, वीडियो असेसमेंट पेंडिंग इवैल्यूएशन यहाँ पर दिखा रहा है, इसके बाद वीडियो इवैल्यूएशन कंप्लीट भी दिखा रही है। सिविल के स्टूडेंट हैं, इनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इनके पास जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और सेलेक्ट होने का भी मेल आ चुका है, ठीक है। तो ये था अभी तक का टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड का अपडेट। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा जॉब कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आगे जो अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।